अब ये अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट मैसेज सिर्फ एक मिनट में, एक मिनट आपके पास है, क्योंकि हमें बहुत लंबा चलना है और ये सारी जनता तुम्हारे लिए नहीं बैठी, 2.5 लाख के चक्कर में बैठी है। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार। मेरा नाम रमेश सोनी और मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिला से हूँ, सतना से। तकरीबन 6 साल पहले मैंने इस सफ़र का शुरुआत किया था और इस प्लान को दिखाने के लिए हमारे महागुरु पवन सर, उपल सर, जिन्होंने मुझे एक कमरे में बैठ के दिखाया था और उस दिन हमारा जो नज़रिया था वो नज़रिया हमारा सेट हो गया था। कहते सफलता जो होती है ना वो आपके नज़रिए पे डिपेंड करती है। घटनाएं तो दिन में दिन घट रही है, लेकिन आप उस घटना को किस नज़र से देखते हैं। मैंने विश्वास किया और शुरुआत कर दिया। कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ चैलेंजेस आए, लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ बोला, लेकिन मैं डटा रहा, करता रहा और आज धीरे धीरे इस मंच पे आ गया। ये जो आज हमें ये ट्रॉफी मिली है, ये जो विश्वास है पवन सर का, उपल सर का, संतोष सर का, मैं इस विश्वास को लगातार बनाए रखूंगा और एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दौड़ तब तक रहेगी जब तक जीत नहीं मिल जाती। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ने अपने आप को प्रूव कर दिया है, बस जरूरत है हमें प्रूव करने की। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है कि गुरु मंत्र सबको मिल जाता है और सबको पता होता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर लेता है वो यहाँ इस स्टेज तक पहुंच जाता है। अगर आप भी इस मंच में आना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो चीजें पता है उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने अंदर पेशेंस रखिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। हमें यहाँ पहुंचने में लगभग 7 साल लग गए, लेकिन हमें ये चीज हमें महसूस है और विश्वास भी है कि एक दिन हम जीतेंगे और आप सब लोग चाहेंगे तो आप लोग भी जीतेंगे। बस आपको डट के लगे रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा अपने अपलाइन पर, विश्वास करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट पर और विश्वास करना पड़ेगा खुद पर। अगर आपको खुद पे विश्वास है, अपलाइन पे भरोसा है और प्रोडक्ट पे विश्वास है तो दोस्तों आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और हैप्पी हेल्थ इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, आप किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए, आपको वहां से रिजल्ट मिलना ही है। सो लास्ट में एक लाइन कहना चाहूंगा कि कभी हम महक की तरह गुलोस उड़ा करते हैं, कभी हम धुएं की तरह पर्वतों से उड़ा करते हैं, और ये कैची हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, क्योंकि हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करते हैं। सो थैंक यू सो मच।